तो नमस्कार दोस्तों, 8वीं पास के लिए बहुत बड़ी भर्ती आ चुकी है हेल्थ विभाग में। ये हेल्थ विभाग रिक्रूटमेंट 2020 के लिए है। इसमें आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है और इसकी सीधी भर्ती होगी। इसका सैलरी 25,924 है और भी अन्य भत्ता इसमें है। तो मैं इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखते रहिए। और अभी तक मेरे टेक चंपा चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर जॉब और एजुकेशन से रिलेटेड नई नई वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन सबसे पहले दिखा दूँ। हाँ, तो देखिए यहाँ पर वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड, वेस्ट बंगाल के लिए हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड ने निकाल दी है। टोटल यहाँ पर पोस्ट देख रहे हैं पूरी 300 है और इसमें कैटेगरी वाइज पूरी पोस्ट 300 है इसमें। और इस पोस्ट का नाम है ड्राइवर, तो ड्राइवर की पूरी पोस्ट है। इसकी विशेष जानकारी मैं आप सभी को दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आप, रीड अप टू क्लास आपको 8वीं पास होनी चाहिए, मात्र 8वीं पास, और आपको ड्राइविंग लाइसेंस अति आवश्यक है इस भर्ती में। तो चलिए मैं और भी जानकारी इसके आगे भी आप सभी को दे दूँ। हाँ, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड WBHRB ने ड्राइवर के 300 पदों को भरने के लिए जो कि उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं, इसमें 300 पूरी पद है। इच्छुक और जो कि उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तिथि, तो इसमें आपको फॉर्म लास्ट 4 मार्च तक भर सकते हैं। इसमें पदों के विवरण भी दिया गया है। तो ड्राइवर की कुल पद पूरी 300 है। इसमें आरक्षण आरक्षण के लिए पूरी सीट इसमें 165 है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, योग्यता तो आपको 8वीं की परीक्षा पास होनी चाहिए, 5 साल का ड्राइविंग अनुभव हो और साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो आपको 5 साल तक ड्राइवरी लाइसेंस, मतलब ड्राइवरी लाइसेंस हो और 5 साल का अनुभव भी आपके पास हो। इसमें वेतनमान आप देख रहे हैं कि 25,924 रुपये, और साथ में बहुत सारे भत्ता इसमें मिलेगा। आयु सीमा मात्र आपको 40 वर्ष, मतलब अधिकतम आयु सीमा आपको 40 वर्ष होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया, तो इसमें जो कि उम्मीदवारों का चयन ड्राइविंग योग्यता और इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा। आवेदन अधिक आने पर उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा ली जा सकती है। इसमें अगर ज़्यादा लोग ऑनलाइन करते हैं तभी लिखित परीक्षा होगी, अन्यथा डायरेक्ट इसमें इंटरव्यू पर केवल बहाली हो जाएगा। आवेदन शुल्क, तो इसमें मात्र 160 रुपये आपको आवेदन करने के लिए लगेगा, बहुत ही कम शुल्क इसमें है। इसके देखिए यहाँ पर वेबसाइट, तो www.wbhrb.in पर आप जाकर वहाँ पर लॉगिन कर वहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको होम पेज पर आपको जाकर एडवर्टीजमेंट जो दिखाए हैं वो भी डाउनलोड कर लेना होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण तिथि, तो आपको ऑनलाइन आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तिथि 4 मार्च 2020 है, और इस वेबसाइट पर जाकर आपको और भी बहुत जानकारियाँ मिल जाएगी। और इसका एडवर्टीजमेंट चलिए मैं आप सभी को दिखा दूँ। तो देखिए ये रहा एडवर्टीजमेंट, इसमें ईवार के लिए, मतलब जो भी रिजर्वेशन है उसमें 165 सीट है, एससी के लिए 66 सीट है, एसटी के लिए 18, और ओबीसी के जो BC1 है उसके लिए 30, और BC2 के लिए 21 है, और PWD NA है। और इसमें टोटल पूरी 300 सीटें हैं इसमें। देखिए यहाँ पर फी के लिए भी, यहाँ पर भी 160 रुपये पूरी चार्ज आपको बता दिया गया है। यहाँ से सीधे जाकर आप इसके वेबसाइट WBHRB.in पर जाकर आप सीधे लॉग इन कर और अपनी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, क्योंकि सबको इस फॉर्म को फिलअप कर और अपनी जॉब ज्वाइन कर सकें।